मध्य प्रदेश के उपचुनाव में राजनेताओं की बदजुबानी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन बदजुबान नेताओं की लिस्ट में नया नाम पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह का जुड़ गया है। सागर की सुर्खी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अजय सिंह अपनी ही पार्टी की प्रत्याशी पारुल साहू के लिए अमर्यादित शब्द कह गए। अजय सिंह ने सुर्खी विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पारुल साहू को टिकाऊ माल कहा। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद सिंह को बिकाऊ माल कहते वो अपनी ही पार्टी की महिला प्रत्याशी के लिए भी उसी शब्द का इस्तेमाल कर गए। अजय सिंह के इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। हाथ उठा के बताओ भाई, लो पारो। ये देखो जनता कह रही है, तो मैं आपके बीच में एक आश्वासन चाहता हूं आपसे। वो तो बिकाऊ माल था, लेकिन आप कृपया करके टिकाऊ माल रहना।